हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आ गई हूँ एमएक्स प्लेयर का वेब सीरीज़ का रिव्यू, जिसका नाम है ऑफिशियल भूतियागिरी। नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही फ़नी लग रहा है, लेकिन क्या इतनी फ़नी है ये वेब सीरीज़ जितना कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा था, जितना कि इसका टाइटल सजेस्ट करता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो के एंड होते होते मिल जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो अभी शुरू करते हैं रिव्यू। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टोरी। तो स्टोरी ये है, दिलावर राणा जो कि सुमित व्यास ये सेंट्रल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये जेल से छूटते हैं और इन्हें जेल से कौन निकालता है एंड इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये एक होटल को संभाले जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा है। एंड क्यों बंद पड़ा है, इन्हें क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एंड कौन इन्हें जेल से निकालता है, इस सारे सवालों के जवाब आपको जब आप वेब सीरीज़ देखोगे तब आपको मिलेगा। तो स्टोरी बस इतनी सी हो गई। अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले पहले दो एपिसोड का बहुत ही एंटरटेनिंग है। इसका क्रेडिट भी डायलॉग्स को जाता है, क्योंकि फर्स्ट दो एपिसोड के डायलॉग बहुत ही अच्छे हैं। बट उसके बाद जैसे ही स्टोरी प्रोग्रेस होती है, आगे बढ़ती है, तब स्क्रीन प्ले बोरिंग हो जाता है। तो ओवरऑल स्क्रीन प्ले ओके या बिलो एक्सपेक्टेशन साबित होता है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन विश्वजय मुखर्जी ने दिया है, तो डायरेक्शन भी कुछ खास अच्छा नहीं है, मुझे ओके टाइप का ही लगा। तो अब बात कर लेते हैं डायलॉग्स की। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि स्क्रीन प्ले जैसे कि बहुत ही फर्स्ट दो एपिसोड का बहुत अच्छा है, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। तो डायलॉग्स जो है सुमित व्यास के, पर्टिकुलरली जो दो एपिसोड्स के, उनके बहुत अच्छे हैं और बाकी कैरेक्टर्स के मुझे इतने खास नहीं लगे, जबकि होना चाहिए था। उनका भी अगर कुछ अच्छा डायलॉग उन्हें मिल जाता तो मे बी इस मतलब हॉरर कॉमेडी जॉनर के जो वेब सीरीज़ में देखने का मज़ा ही कुछ और होता। बट रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स के जो डायलॉग्स हैं वो इतने ओके टाइप के ही लगते हैं। मैं तो जब पहले एपिसोड में जब मैंने देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा पहले दो एपिसोड, लेकिन बाद में इतना बोरिंग हो जाएगा मुझे पता नहीं था। तो अब बात कर लेते हैं कास्टिंग की। तो सुमित व्यास जो कि दिलावर राणा का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका एक्टिंग अच्छा है, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ ज़्यादा ही आउटस्टैंडिंग होने वाला है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। नवीन प्रभाकर जो कि फेमस कॉमेडियन है, वो इन्हें प्रेम सिंह का किरदार प्ले कर रहे हैं इस सीरीज़ में, तो उनका काम भी ओके है। सीरियसली आई कांट बिलीव दैट दिस मीन्स मतलब इतने अच्छे कॉमेडियन को इतनी अच्छी डायलॉग्स, ना ही इतने अच्छे रोल मिले, ना इतने अच्छे डायलॉग्स मिले, ना इनको इतने अच्छे पंच लाइन मिले हैं। मैं बहुत शॉक होगी कि वाई दिस एक्टर चूज टू डू दिस कैरेक्टर। एंड प्रणय मनचंदा जो कि कश्यप राणा का रोल प्ले कर रहे हैं, छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं सुमित व्यास के, तो उनका काम भी ओके ही है। एंड ईशा चोपड़ा जो कि मल्लिका का रोल प्ले कर रही हैं, सुमित व्यास की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं, उनका काम भी ओके ही है। तो ये जो वेब सीरीज़ है प्रोड्यूस किया है अरे ने, जो अरे जो यूट्यूब चैनल है, फेमस यूट्यूब चैनल, उनके वीडियोस बहुत ही क्वर्की होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे YouTube चैनल के जितने सारे वेब सीरीज़ मतलब लॉन्च करते, किसी और प्लेटफॉर्म में भी अगर वो प्रीमियर करते तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मुझे पता नहीं था कि इतनी बिलो एक्सपेक्टेशन होने वाली थी। तो अगर आपने देख ली तो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, रेटिंग्स की बात कर लो तो मैं रेटिंग्स 3/5 ही देना चाहती हूँ। मुझे इसमें कास्टिंग की एक्टिंग भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, जबकि कास्टिंग बहुत अच्छी है, उनसे अच्छा काम हो सकता था, पर उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्टोरी स्क्रीन प्ले बहुत ही डिप कर रहा है। तो क्या कर सकते, स्टोरी क्वर्की है आई एडमिट, बट स्क्रीन प्ले बहुत डिप कर रहा था, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। एंड कैसे लगी आपको ये रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए वेब सीरीज़ या शॉर्ट फिल्म के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।